लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न क्या पूछा, भगवान कौन है? हम लोग साधु संत महात्मा पंडित ज्ञानी मिलते हैं तो अपने बारे में पूछते हैं, मेरा काम कैसे बनेगा, मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं। लेकिन राजा ने प्रश्न पूछा, भगवान कौन है? भगवान कौन है? आप लोग बताओ ना मुझे, भगवान कौन है? आप लोग कहोगे राम कृष्ण विष्णु, यही तो भगवान है? नहीं प्यारे, आप पहले भगवान शब्द के अक्षर को समझो। भगवान में पांच अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? पांच, भ ग व अ न, भगवान। ये भगवान के एक एक अक्षर को हम समझे ना तो बहुत प्यारा अर्थ निकलता है। भगवान में पहला जो भ है ये कोई और नहीं, भूमि ही भगवान है। भ से भूमि, नोट करते रहना, बाद में पूछूंगा मैं। हाँ, बड़े खतरनाक पंडित जी मिले आपको, क्लास जरूर लेता हूं मैं। दूसरे दिन, पहले दिन पूछूंगा, दूसरे दिन, पहले दिन बताऊंगा, दूसरे दिन पूछूंगा। तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। कितने हो गए? हो गए ना, हो गए ना भगवान? यही तो भगवान है। असली में भगवान का मतलब होता है ये प्रकृति जो है, क्षिति जल पावक गगन समीर, यही पांच चीज भगवान है प्यारे। इससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। पृथ्वी ही भगवान है, आकाश ही भगवान है, वायु ही भगवान है, सुनो अग्नि में भगवान है, और जल में तो भगवान है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल में ही तो जीवन है ना। आदमी बिना खाए चार दिन रह जाएगा, लेकिन बिना पानी के रहोगे क्या? पानी की तो जरूरत पड़ेगी ना। पानी ही क्यों? क्योंकि जल में वायु प्राण है, जल में प्राण है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना जल ही जीवन है। जल को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो,